friends, welcome back to my channel. I'm Vaishali. In today's video, I'm showing how you can make a beautiful miniature house garden and a bird feeder. So let's get started. ये जो garden decor है miniature house garden, अगर आपका balcony shaded है तो आप अपने balcony के decor के लिए इस miniature house को use कर सकते हैं वहाँ पे, और एल्स आप अपने घर के डेकोर घर के अंदर लिविंग रूम में डेकोरेशन के लिए भी आप इस मिनिएचर हाउस गार्डन को यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं जो भी चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे, वो सब वेस्ट से बना हुआ है। लाइक मिल्क कार्टन जो है वो घर में आपको यूजुअली मिल ही जाएंगे। इसके अलावा फ्लावर डेकोरेशन के लिए जो वासेस होते हैं वो सब मैंने हमारे घर में जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उससे ही बनाए हैं। सो देखते हैं आगे वीडियो में मैंने क्या क्या यूज़ किया है। मिल्क कार्टन पे जो मेजरमेंट मैंने किए हैं वो बॉक्स आप जो भी आपका बॉक्स रहेगा मिल्क का, उसके अकॉर्डिंग ही हमको लेना पड़ेगा। आप उसका मिड पॉइंट चेक करें एक बार एंड देन उसके अकॉर्डिंगली लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो बॉक्सेस वेरी हो सकते हैं, सो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट एक्चुअली मेंशन नहीं किया है। तो इस तरह से हम बॉक्सेस को कट कर लेंगे, उसका रूफ एंड जो डोर का एरिया है वो। सबसे पहले आप बेस कोट कर लीजिए ये जितने भी बॉक्सेस हैं उसको, एंड वाइट कलर से हमको बेस कोट करना होगा बिकॉज़ वाइट कलर के ऊपर ही जो भी कलर्स होते हैं यूजुअली अदर कलर्स, वो अच्छे से उसका कलर चढ़ पाता है एक्चुअल में। इन हट्स का रूफ़ बनाने के लिए मैंने नॉर्मली स्क्वायर शेप में ऐसे दो पेपर की कटिंग किए हैं और उसको बीच में से टेप के थ्रू अटैच किया है। अगर आप चाहे तो एक सिंगल पेपर लेके उसको ऐसे बीच में से फोल्ड करके भी आप ऐसे रूफ टॉप बना सकते हैं। मोस्टली हम गार्डन पे ही फोकस करेंगे। तो अंदर मैं जो बैटरी लाइट्स होते हैं वो यूज़ करने वाली हूँ। तो हट्स के अंदर हम बैटरी लाइट्स को रखेंगे। इस तरह से मैंने उसको एक बड़े से कार्डबोर्ड पर स्टिक किया है इन हट्स को। जो बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल होता है यूजुअली, उसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड का एक ऐसे लंबा सा पीस लेंगे एंड टूथपिक का यूज़ करके, जो टूथपिक्स हम लेते हैं उसका यूज़ करके हम बाउंड्री को डेकोरेट करेंगे। ये इस तरह से मैंने जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है गार्डन का वो बनाया है। जो मेरे पास ग्रिल स्टिक्स थे वो ग्रिल स्टिक्स मैंने इस तरह से लगाए ताकि बर्ड्स अगर आकर बैठते हैं उसके ऊपर तो वो एक प्लेस हो जाएगा उनके लिए बैठने के लिए। तो इस तरह से आप उसको स्टिक करिए। जो बर्ड फीडर मैंने डेकोरेट किया है उसका फुल वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है डेकोरेट करते टाइम। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ येलो स्टोन्स यूज़ किए हैं उसका रूफ़ को डेकोरेट करने के लिए एंड येलो पेंट से उसका रेलिंग को डेकोरेट किया है। गार्डन डेकोर के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिफिशियल ग्रास का एक स्क्वायर मेरे पास था, तो वो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे उसको मैंने उसका जो एजेस है उसको येलो कलर के स्टोन से कवर कर दिया है ताकि वो दिखे ना। और कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेरे पास लीव्स थे, तो वो उसको कट करके मैंने ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स बनाए हैं, तो ग्रास में मैंने वो प्लांट्स वहाँ पे लगा दिए। एक छोटा सा कार्डबोर्ड लेंगे, उसको राउंड शेप में हम सर्कल कट करेंगे। और मेरे पास एक थ्रेड का जो लास्ट पार्ट होता है वो बच गया था, तो मैंने उसको नीचे यूज़ किया है टेबल बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने जो वाइन बॉटल्स के कॉर्क होते हैं उसको भी यूज़ किया है चेयर्स के लिए। आप उसको कट करिए, साइज़ मैं आपको दिखाया है वैसे उस हिसाब से। एंड जो टूथपिक्स लिए थे उससे हम उसके लेग्स बनाएंगे चेयर्स के। और छोटा सा एक हार्ड पेपर लेके उसका जो चेयर्स के बैक होते हैं वो बनाएंगे। लैम्प शेड के लिए स्ट्रॉ और जो शॉर्ट ग्लासेस होते हैं प्लास्टिक के, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसको वाइट कलर से पेंट करके स्ट्रॉ लगा के उसको अटैच किया है। एक शैम्पू बॉटल था मेरे पास में, उसको नीचे से कट करके उसमें अंदर थर्माकोल फिल किया है, उसको ब्लैक पेंट किया है। फोम शीट का आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने इस तरह से इसको कट किया है। तो ये एक ऐसे प्लांट आपको एक ऐसा प्लांट होता है, तो वो वैसा शेप का प्लांट आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने अगेन जो वाइन बॉटल का जो कॉर्क होता है उसका यूज़ करके एक प्लांट का वास बनाया है। कुछ पेबल्स मेरे पास थे, रिवर पेबल्स, तो वो मैंने यहाँ यूज़ किए हैं डेकोरेशन के लिए। आर्टिफिशियल जो लीव्स थे वो लगा दिए हैं वहाँ पे। जो हमारे पास टेप होता है, वो टेप का जो रोलर होता है ना, लास्ट का जो वेस्ट पार्ट बच जाता है उसको मैंने हाफ कट करके कैसे छोटा सा साइड से एक काइंड ऑफ प्लांटेशन के लिए एक ऐसा छोटा सा साइड एरिया बनाया है, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे काइंड ऑफ प्लांट्स लगाए हैं और पेबल से और येलो स्टोन से उसको डेकोरेट किया। स्विंग बनाने के लिए मैंने ऐसे नॉर्मली 4 स्टिक्स लिए, 2-2 स्टिक्स को इस तरह से और देन इसको ऐसे स्टिक किया है। एक सिंगल स्टिक लेके उसके ऊपर हम ग्लू कर देंगे। देन उसका सिटिंग के लिए हम इस तरह से छोटे छोटे स्टिक्स को आपस में जोड़ते हैं, तो उस स्विंग का चेयर बन जाएगा। एंड मैंने वायर लिया है यहाँ पे उसको अटैच करने के लिए। तो नॉर्मल आप चाहे तो कोई थ्रेड वगैरह लेके भी स्विंग का जो सीट है उसको अटैच कर सकते हैं स्विंग से। तो और कुछ फ्लावर्स और लीव्स का यूज़ किया है स्विंग को डेकोरेट करने के लिए। ये जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक्चुअली पाइन ट्रीज से निकलता है, तो यहाँ पे ये बहुत मिल जाते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, तो मैंने उसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है। एग कार्टन लेंगे, उसको ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे, तो जैसे कि टाइल्स होते हैं, तो जो भी आपको पाथ एरिया दिख रहा है उस जगह पे हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस को एज अ टाइल्स हम वहाँ पे स्टिक करेंगे। एंड देन जो गैप्स दिख रहे हैं टाइल्स के बीच में, उसको मैंने ब्लैक कलर के एक लाइनर था मेरे पास में, ग्लास लाइनर, उससे फिल किया है। रूफ़ के लिए हम मैंने यहाँ पे जूट का लेस मेरे पास था तो वो यूज़ किया है। उसको इस तरह से कट करके उसको स्टिक कर दिया है रूफ़ के टॉप पर। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्री बनाया है। वो ट्री हमारे यहाँ पे कहीं पे भी एक्चुअली एक पेड़ों के जो सूखे ब्रांचेस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो ब्रांचेस को आपको वाइट कलर से पेंट करना है और देन उसमें आर्टिफिशियल जो लीव्स होते हैं वो ग्लू से स्टिक कर दीजिए, तो बहुत ही सुंदर सा एक ऐसा ट्री का लुक मिलेगा। जो एंट्रेंस मेन एंट्रेंस था वो उसको मैंने इस तरह से यान से पूरा कवर किया है। आप चाहे तो लाइक कोई फ्लावर्स या पेपर फ्लावर्स इन सब चीज़ों का यूज़ करके भी उसको कवर कर सकते हैं। विंड मिल बनाने के लिए ऐसे स्टिक्स को हम अटैच करेंगे। और अगेन मैंने यहाँ पे वाइन बॉटल का जो कॉर्क है वो यूज़ किया है। वो कॉर्क को थोड़ा सा बीच में से कट किया है। इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए मैंने जूट का जो धागा होता है थ्रेड उससे उसको ऐसे कवर किया है। सो इस तरह से आपका ये छोटा सा मिनिएचर गार्डन बन गया है। तो मैं आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटीफुल मिनिएचर गार्डन इन माई बालकनी। आप चाहे तो आपके घर के अंदर आप इसको डेकोरेशन का पीस एक कहीं पर भी आपके लिविंग रूम में अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आपको दो चीज़ें सीखने को मिला इस वीडियो के थ्रू। आने वाले वीडियोस में भी कुछ बहुत ही क्रिएटिव लेके आती हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए इफ़ यू फील लाइक, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी तो कमेंट के थ्रू प्लीज़ मुझे बताइए। टिल देन बाय बाय and see you in the next video, guys.